सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 8 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रोहतक में मिलन ग्राउंड में आ रहे हैं और हमारे हलके में उसके लिए बहुत बड़ा उत्साह है। हमने मीटिंग करी थी पीछे, हमारे अनिल जैन जी आए थे तो सारे हमारे पन्ना प्रमुखों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि हमारे हलके से लगभग 7-8 हज़ार आदमी हमारी रैली में पहुँचेंगे। लगभग कोई भी पन्ना प्रमुख ऐसा नहीं रहेगा जो रैली में जाने से वंचित रह जाए। बहुत उत्साह है हमारे पन्ना प्रमुखों में कि पन्ना प्रमुखों को एड्रेस करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और मैं मेरे राई हलके के हमारी जितने भी जनता है उनसे एक अपील भी करती हूँ कि भाई सारे के सारे पन्ना प्रमुख और हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए ज़रूर पहुँचे, क्योंकि ये चुनावी महीना है तो इससे हमारे चुनाव में भी लोगों में बड़ा उत्साह आएगा। तो सबसे मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। राष्ट्रीय परिषद राज्य कृषि विपणन बोर्ड की चेयरपर्सन एवं पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत ने सोनीपत जिले को 24 सड़क मार्गों की सौगात प्रदान की है। विभिन्न हलकों में बनाई जाने वाली इन सड़कों के निर्माण पर करीब 18,59,87,000 रुपए की लागत आएगी। इनमें राई हलके के लिए सर्वाधिक 13 सड़कें शामिल हैं, जिनका निर्माण कार्य लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। 2 दर्जन सड़कों का आधारशिला कार्यक्रम गांव अटेरना में शुक्रवार की शाम आयोजित किया गया। इस दौरान गांव में जनसभा भी आयोजित की गई, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में चेयरपर्सन एवं पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग हलकों में बनाई जाने वाली सड़कों का शिलान्यास एक ही स्थान पर अटेरना में किया। इनमें राय विधानसभा क्षेत्र में 13, बरोदा में 1, खरखौदा हलके में 3 तथा गन्नौर में 2 और गोहाना विधानसभा क्षेत्र की 5 सड़कें शामिल थीं। पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत ने कहा कि विकास को तीव्र गति देने के लिए सड़कें जरूरी हैं। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जिससे लोगों को हर प्रकार से लाभ मिलेगा। इस दौरान चेयरपर्सन ने जनसमूह को रोहतक में 8 सितंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि युग पुरुष लोकप्रिय प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बढ़ चढ़ कर रैली में हिस्सा लें। सोनीपत से श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। आज सोनीपत जिले में हमारे मार्केटिंग बोर्ड द्वारा जो हमारे लिंक रोड बनाए जाते हैं वो लगभग 24 हम सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं आज, जिसमें 13 राई हलके की सड़कें हैं और ये सड़कें लगभग 50 किलोमीटर तक की हैं, 50 किलोमीटर हैं टोटल लगाकर, और इसमें 20 करोड़ की लागत से ये सड़कें बनकर तैयार हुई हैं। आज उन सभी का एक जगह से हम उद्घाटन कर रहे हैं।